तमाम सर नहर में पानी नहीं आ रहा है, नहर में पानी दस दस हजार नहीं आ रहा है, नहर में सर पानी, यहाँ पर विकास कुछ नहीं हो रहा है, नहर में पानी नहीं आ रहा, हम लोग किसान मर रहे हैं। यहाँ पर आप बिहार के अच्छे मुख्यमंत्री हैं सर, लेकिन पानी एक यहाँ नहीं आ रहा है सर, हम लोग भूखले से मर जाएंगे। आप बचाइए सर, हम लोग किसान आधारित हैं सर, आप पीएम बनिएगा सर, आप पीएम बनने वाले हैं सर। सर नहर में पानी नहीं आ रहा है यहाँ, नहर पर सर हमारे संदेश में और 20 साल नहीं पानी नहीं आ रहा है सर, नहर एकदम से नहीं आ रहा, हम लोग भूखले बने हैं सर, बताइए सर, आप सब बताइए, पानी नहीं आ रहा है सर, एकदम पानी नहीं आ रहा सर, हम लोग मर रहे हैं सर, सही बता रहे हैं, हम लोग किसान लोग मर रहे हैं, पानी का सही व्यवस्था कीजिए सर, पानी का सही व्यवस्था कीजिए सर। आरंभ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के दौरान गुरुवार को भोजपुर जिले के 2 प्रखंडों का दौरा किया। इस दौरान संदेश प्रखंड के तीर्थकोल गांव में सीएम नीतीश का कार्यक्रम रखा गया था, उनके साथ डिप्टी सीएम और जिले के प्रभारी मंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। सीएम नीतीश लाव लश्कर के साथ पैदल जा रहे थे और दोनों तरफ लोगों की भीड़ थी और लोग नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, लेकिन एक किसान ने जोर जोर से चिल्लाकर अपनी बात कहने लगा। नीतीश कुमार रुक गए और नीतीश और तेजस्वी के सामने एक सुर में बोलना शुरू कर दिया। किसान ने समस्या बताते हुए ये कहा कि प्रणाम सर, नहर में पानी नहीं आ रहा है सर, नहर में 10 साल से पानी नहीं आ रहा है, यहाँ पर विकास कुछ नहीं आ रहा है, हम लोग किसान मर रहे हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं सर और भूखे मर जाएंगे सर, आप बचाइए सर, हम किसान आधारित है सर। किसान लगातार बोलता चला जा रहा था और इस दौरान नीतीश कुमार का हाव भाव पूरी तरह बदल गया। वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर किसान को क्या परेशानी है। किसान की बातों से ये साफ जरूर हो गया कि उसे मालूम था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री बनने के मूड में है और इस दौरान उसने ये भी कह दिया कि सर आप पीएम बनिएगा सर, आप पीएम बनने वाले हैं सर। फिर नीतीश कुमार ने अधिकारियों की ओर इशारा किया तो इसके साथ ही इत्मीनान से किसान ने कहा कि सर नहर में पानी नहीं आ रहा। अधिकारी ने पूछा कहां का मामला है और इस दौरान जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने किसान की बात को गंभीरता से सुना। नीतीश कुमार ने संबंधित पदाधिकारियों को इस पर जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया।